हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट खत्म कर दिया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज के इस वीडियो में हम इसका पूरा ओवरव्यू देखने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि इसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्यों पड़ा, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, ये सब हम जानने वाले हैं, और फ्लावरिंग के कुछ नेमिंग लेबलिंग भी करेंगे। तो देखिए, बात है 1969 की, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट आर एच विटिकर, जिन्होंने क्या करा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया था। कौन कौन से थे वो? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब जो इसमें प्लांटी था, 4th किंगडम, इसमें कुछ 5 प्लांट्स आते थे, वो थे हमारे फाइफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जो हमारा ये एंजियोस्पर्म था वो क्या करता है, फ्लावरिंग शो करता है, और उसी एंजियोस्पर्म प्लांट्स के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो हमें क्या करना है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें गैमेट्स की जरूरत है, वी नीड टू फॉर्म गैमेट्स। और उस गैमेट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने ह्यूमंस में होती है वैसे ही फ्लावर में भी होती है। ठीक है, फ्लावर में भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं गैमेट्स बनाने के लिए। जब गैमेट्स बनाएंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शो होगी, और उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो समझ में आ गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, एंजियोस्पर्म में। जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वो क्या शो करते हैं, फ्लावरिंग। समझ में आया। अब मैं इसका एक फ्लावर बनाऊंगा, उसमें देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, आप सही वो पता है, क्लास 10 पर आपने पढ़ लिया है। चलो बनाते जल्दी से, ये बन गई हमारी पेडिसल। ये हो गई हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैं सो पहले बनाया था तो कुछ मजा नहीं आता, मतलब आप सोचते कैसे बन गया। चलो वैसे आप सोच को आता होगा, क्लास 10th में सबने सीख लिखा है। ये हो गया हमारा एंथर, और ये फिलामेंट, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेमेंट। और ये हमारा पूरा क्या बनाता है, कार्पल। ये हमारा फिलामेंट गया, और ये हमारा होता है एंथर, जो कि बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड मतलब कि एक लोब ये है और एक लोब ये है, मतलब सर दो लोब होती है। और ये हो गया हमारा कुछ ऐसा ना दिया ने। ठीक है, मेरा मेन मोटिव आपको ऐसा समझाना कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, सेपल्स, पेटल्स और मतलब उसके कुछ पार्ट्स। ठीक है, देखिए जो ये हमारा है, ये हमारा ओवरी, ये हमारी स्टाइल, और ये होता है हमारा लैंडिंग सरफेस, जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं कार्पल, या कार्पल को हम कह सकते हैं गाइनोसियम। क्या कह सकते हैं इसे, कार्पल को भी कह सकते हैं क्या, गाइनोसियम, जो कि हमारा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारे एक फ्लावर में। और जो ये हमारा देख रहे हो आप, जिसे कहते हैं, ये हमारा फिलामेंट, और ये हमारा एंथर जो कि बाइलोब्ड है, देख रहे होंगे एक लोब तो ये है, ये फर्स्ट लोब कह दो से, और ये हमारी सेकेंड लोब, तो ये क्या है हमारा, बाइलोब्ड। देखिए ये एंथर और ये फ्लामेंट जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये एंथर और फ्लामेंट मिलकर के बनाते हैं हमारा स्टेमेन, या आप उसे कॉम्प्लेक्स वर्ड में कहें तो एंडोसियम। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। अब इसका कुछ अदर पार्ट्स देख लेते हैं। ये हो गया हमारा सेपल्स, ये हो जाते हमारे पेटल,
जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन के बारे में बताऊंगा क्या होता है, थोड़ा बड़ा ओवरव्यू इसके इस चैप्टर का, इस वीडियो में जो हमारी चैप्टर स्टार्ट होगा वो हमारा हासिली चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें पूरा मतलब इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। देखिए अब क्या बात करने वाले हैं, अब प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी इस पूरे फ्लावर के अंदर। और हमारी प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो दो पार्ट्स में बटी हुई है, एक है हमारी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और दूसरी हमारी मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखिए प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमारी दो भागों में बटी हुई है, प्री फर्टिलाइजेशन दो में बटी हुई है इन फ्लावर, माइक्रो स्पोरो जेनेसिस या मेगा स्पोरो जेनेसिस। ये क्या है, हमारी जो प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो दो भागों में बटी हुई है, माइक्रो स्पोरो जेनेसिस और मेगा स्पोरो जेनेसिस। माइक्रो मतलब छोटा और स्पोरो मतलब स्पोर्ट्स, मतलब माइन्यूट स्पोर्ट्स। ये किससे रिलेट कर रहा है, ये हमारा एंथर से रिलेट कर रहा है, मतलब मेल पार्ट से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो हमारा गैमेट्स बनाता है, मतलब पोलन ग्रेन्स जो बनाता है वो इस प्रोसेस के द्वारा होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एग बनाता है उसे बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। समझ में आ गया, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, गैमेट्स का बनाना उसे बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब कौन कौन सी मतलब मेल और मतलब मेल गैमेट्स कौन बनाएगा, कौन सी प्रोसेस बनाती है और फीमेल गैमेट्स कौन बनाती है, मैंने बता दिया है, मेल ये वाली और फीमेल ये बनाती है, माइक्रो और मेगा। तो इस समझ में आ गया यहाँ तक। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम बात करने वाले हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन में जो ये बायलोब स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो थोड़ा सा ओवरव्यू और देता हूँ मैं। जो हमारे ये एंथर है, ये एंथर क्या है, टू लोब्स में बटा हुआ है, बायलोब्ड है। और जो ये यहाँ बताता हूँ जूम करके, ये हमारी एक लोब होगी, ये हमारी दो लोब हो गई। अब ये क्या हो गया, ये चार कोने बटी हुई है, मतलब टेट्रागोनल में। यहाँ पर एक इसका माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर है, ये चार माइक्रोस्पोरेंजियम इसके अंदर है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम की चार लेयर होती हैं, मतलब ये एंथर के भी हम अंदर घुस गए, ठीक है। अब जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है वो आगे चल करके डेवलप होकर के पोलन सैक्स बनाएगी, उस पोलन सैक्स के अंदर हमारे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया, मतलब एंथर के भी अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम इसके चारों कोने पर, और उस माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल करके डेवलप हो जाता है और वो बनाता है हमारा पोलन सैक्स, उस पोलन सैक्स के अंदर हमारे मेल गैमेट्स रखे होते हैं, ठीक है। समझ में आया तक। अब हम इसके अगले लेक्चर में अगले वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल स्टडी कि माइक्रोस्पोरेंजियम की चार लेयर होती हैं, कौन कौन सी होती है, पहली लेयर उसकी एपिडर्मिस, सेकेंड उसकी क्या होती है एंडोथीसियम, थर्ड होती है उसकी मिडिल लेयर, फोर्थ होती है उसकी टेप्टम। तो ये चार लेयर है जिसके हम डिटेल स्टडी करेंगे पूरे स्टेमेन के बारे में, फिलामेंट और एंथर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं इस चैनल के बारे में। थैंक यू।